अलैकुम, क्या हाल है? आज बड़े दिनों बाद, यानी कि समझ लें 2 महीने बाद मैं दोबारा से ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश तो क्या, इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन बस मैं थोड़ा सा ना एक आलसी टाइप का बन रहा हूँ। पहले सबसे पहले तो मैं माजरत सॉरी कि मैं कहता हूँ कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन बना नहीं सकता। अब इस तरीके से है कि मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ मैंने चेयर्स लेनी है, 2 चेयर्स हैं बाइक के ऊपर लेकर आनी है, खरीदनी नहीं है, वहाँ एक जगह पे रखी है वहाँ से लेनी है। और दूसरा ये मैंने अपने बाल कटवाने, देखे हैं बहुत बड़े बड़े हो गए, ये बाल मैंने कटवाने हैं। और बस बाइक पे जाना है, बाइक पे वापस आना है, तो चलते हैं, आप लोग मेरे साथ ही चलें, देखते हैं। बाहर गर्मी भी बहुत हो रही है, वैसे तो लोग निकले हुए हैं, लेकिन मुझे गर्मी से ना अक्सर इस तरीके से होता है कि अगर मैं गर्मी में ही बिल्कुल बैठा रहा तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल लगा गर्मी में फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ कुछ खाए पिए बगैर, पानी वानी पी लूँ तो, लेकिन फिर भी ना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो देखते हैं आज तो क्या होता है, चलते हैं। बाइक के ऊपर 2 चेयर लेकर आनी है और भी बहुत सारी चीज़ें, बाल शाल कटवाने हैं। रास्ते में रास्ता तो नहीं खैर दिखा सकता, क्योंकि अभी मेरे पास वो कैमरा नहीं है, वो स्टैंड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे वो सब चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट। तो चलते हैं, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, फिर तो उसके बाद मिलते हैं। ले जी, हम रेडी हो गए, अब बस मैंने नाश्ता करना है और निकलना है। ये मैं मोबाइल भूल गया था, अब मोबाइल लेने के लिए आया हूँ और वापस जा रहा हूँ। तभी हम सोसाइटी से बाहर निकल गया था, फिर उसके बाद वापस अंदर आया, मोबाइल लिया है। अब ये गर्मा गर्म सीट के ऊपर बैठने लगा हूँ और निकलते हैं हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा, हम लोग आ गए हैं बाल कटवाने के लिए यहाँ पे। बस अभी बाल का थोड़ी देर के बाद मैंने वीडियो बनाई, बहुत छोटी सी बनाई है, लेकिन मैं आपको अब बाद में फिर लेना हो तो बता देना, वैसे कौन लेगा। अब बस मैंने चेयर्स लेनी है, बाकी सामान जो है वो किसी तरीके से मैं ले जाऊँगा इसको कल इंशाल्लाह। अभी चेयर में ले कर रखता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को, साथ वाली दुकान में रखी है। अच्छा, अब ये 2 चेयर्स हैं, ये मैं दोनों उठा रहा हूँ, लेके चलते हैं। वैसे मैंने इसे वॉइस ओवर दिया है, पहले तो जो इस बंदे से बोला था वीडियो बनाने के लिए वो दूर से ही खड़े होकर बना रहा था, कोई आगे ही नहीं आ रहा था, पता नहीं उसको बाहर निकलते हुए शायद डर लग रहा था कि लोग भी कैमरा देख के या मोबाइल देख के पकड़ लेंगे, उसको मारेंगे। लोगों के अंदर होता है, मेरे अंदर भी बहुत है, लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अभी चेयर्स रख दिए मैंने, अब इसको बांध देंगे किसी तरीके से कि ये गिरे ना। मेरा घर भी तकरीबन शॉप से 18 किलोमीटर दूर है, तो अब बांधते हैं इसको, रस्सी बड़ी टाइट से बंधी हुई है, खोलता हूँ। अब हम यहाँ से इसको बांध के निकलेंगे। ये दुआ करता हूँ कि ना गिरे, घर ले जाते था। ये मैंने पूरा इसको यहाँ से घुमाना है। अच्छा, ये मैंने बांध तो दी थी, लेकिन इसके बाद मैंने इसको फिर और बांधा था, बाकी की वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि फिर वो जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ था जिस बंदे ने, उसने वो कर दिया था। मैंने कहा बंद करते हैं, वो इतनी दूर से खड़े होकर बना रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा बंद करते हैं, बाकी फिर मैंने बाद में बांधी और अभी इसको मैं लेकर आया हूँ। क्या कह रहे हैं? कैंची है? चेयर्स में ले आया था, और काफ़ी गर्मी तो नहीं थी आज, मौसम बहुत अच्छा था,
मैंने हवा भी चल रही थी और थोड़े थोड़े बादल भी थे, धूप इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी जा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था निकलने से पहले गर्मी बहुत हो रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गर्मी नहीं थी। अब जो है मैं पहले मैं मोबाइल पर एडिट करता था, मैंने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर लोड करवाया, उसका नाम है फिल्मोरा गो। अब पहली दफ़ा यूज़ करूँगा, देखें शायद मुझे यूज़ करना आ जाए। मैंने यूट्यूब से ट्यूटोरियल वगैरह देखे तो थे, लेकिन कोई प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस से होता है। अब प्रैक्टिस करता हूँ उसके ऊपर, देखते हैं क्या किस तरीके से मैं सीखता हूँ। आज पहली वीडियो इसके ऊपर, यानी पहली दफ़ा फिल्मोरा के ऊपर डाउनलोड वो एडिट करके देखता हूँ। अभी आगे आगे देखें।